बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एमसीक्यूज यूनिट 14 के, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो किस वजह से होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए पॉजिटिव आयन, ऑप्शन बी नेगेटिव आयन, ऑप्शन सी पॉजिटिव चार्जेस, ऑप्शन डी फ्री इलेक्ट्रॉन। चार ऑप्शन है आपके पास। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यह आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर टू, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पीयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। 6 ओम की रेजिस्टेंस में से जब 3 एम्पीयर का करंट गुजरेगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस अपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 2 वोल्ट, ऑप्शन बी है 9 वोल्ट, ऑप्शन सी है 18 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 36 वोल्ट। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। एज यू नो दिस फार्मूला, वी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 18 हमारा आंसर आ गया। तो 18 आंसर हमारा था ऑप्शन सी में। सो हमने इसीलिए ऑप्शन सी को चूज किया। नंबर थ्री, व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडेड। वो कहता यह है कि लैम्प्स आपने सीरीज सर्किट में लगा दिए, अब उसमें जैसे आप मज़ीद लैम्प्स ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन द सेम, ऑप्शन डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यह आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी को हमने चूज क्यों किया? ऑप्शन बी को चूज हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। जैसे हम लैंप बढ़ाते जा रहे हैं, लैंप क्या चीज़ है? एक रेजिस्टेंस है। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे करंट कम होता जाएगा तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प भी कम होती जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हमने ऑप्शन बी को चूज किया। नंबर फोर, व्हाई शुड हाउसहोल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। हमारे घर में जो बिजली की चीज़ें लगी होती हैं, सर्किट्स लगे होते हैं, वो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल क्यों लगे होते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन बी टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम करंट एज द पावर सोर्स। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यह हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। हम पैरेलल में इसलिए लगाते हैं ताकि हर बिजली की चीज को सेम वोल्टेज मिले और वो प्रॉपर काम करे। नंबर फाइव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए आर द सेम टर्म, ऑप्शन बी आर द डिफरेंट टर्म, ऑप्शन सी हैव डिफरेंट यूनिट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए आर द सेम टर्म्स। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन ए को। नंबर सिक्स, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द। चार ऑप्शन है आपके पास। ए करंट, बी पावर, सी रेजिस्टेंस, डी बोथ ए एंड बी। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। जैसे कि हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर आर जो है ये कांस्टेंट रहेगी जबकि आई जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहीं पर पूछा था उसने
वी डबल द करंट, करंट हमारा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। पावर में आई स्क्वायर आर है, जहाँ पर जब करंट बढ़ जाएगा तो पावर भी बढ़ जाएगी। सो हमने चूज़ किया ऑप्शन डी को, बोथ करंट एंड पावर। नंबर 7, इफ़ वी डबल बोथ करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग द रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट द पावर। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी डबल, ऑप्शन डी है क्वाड्रपल्स। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी क्वाड्रपल्स। जो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन डी को, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पी वन इनिशियली क्या था, पी आई इक्वल टू वी आई। अब पी टू में हमने क्या करना है, दोनों को डबल कर दिया, टू टू द फोर हो गया, और ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियल है, पी आई है, तो क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगी पावर हमारे पास दोनों को अगर हम डबल कर देंगे। सो दिस इज़ वाई वी चूज ऑप्शन डी। नंबर 8, वट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू आर 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पीयर। चार ऑप्शन है आपके पास, ए 4.8 वाट, ऑप्शन बी है 14.5 वाट, ऑप्शन सी है 30 वाट, ऑप्शन डी है 60 वाट। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यह आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। एज यू नो दिस फार्मूला पी इजिकल टू वी आई, इसीलिए हमने वी की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 30 वॉट हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स वाई वी चूज द ऑप्शन सी। नंबर 9, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। जब हम दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं इन सीरीज सर्किट, तो उनकी जो सीरीज कंबाइंड रेजिस्टेंस बनती है वो होती है 8 ओम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट विल बी, और उन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल जोड़ दें तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके पास, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम या फिर 12 ओम। यहाँ आपका राइट आंसर होना चाहिए 2 ओम। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने का इन पैरेलल अरेंजमेंट और कंबाइंड रेजिस्टेंस मालूम करने का, वो है 1/Ra = 1/R1+1/R2 एंड डॉट 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 सो ऑन। सो यहाँ पर चूंकि हमारे पास दो रेजिस्टर हैं तो उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर देनी है 1/4 और 1/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/Ra हमारे पास आ जाएगा 1/2 के, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम के। तो दैट्स व्हाई वी चूज द ऑप्शन ए 2 ओम। सो बच्चों ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।